नमस्कार, कुलपंडा में स्वागत है आपका। ये आत्रा नक्षत्र जो बिहार में बनाया जाता है उसकी थाली लाई हूँ। इसकी स्पेशलिटी दाल वाली पूड़ी, आलू की सब्जी, खीर होती है और साथ में आम भी होता है। तो सबसे पहले मैंने खीर चढ़ा दिया है। शुरुआत में मैंने 1 लीटर अभी दूध लिया है और उसे बॉयल करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसमें चावल, जिसे मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिए थे, और उसे ग्राइंडर में हल्का दरदरा कर लिया है। मैंने पूरी तरह उसे पेस्ट नहीं बनाया था बल्कि हल्का दरदरा कर लिया था। उसे मैंने बॉयल होते हुए दूध में डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छी तरह से पकाऊंगी। इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक मेरे दूध गाढ़े ना हो जाए और हमारे चावल अच्छी तरह से पक ना जाए। खीर का चावल जितना ज़्यादा गला या पका हुआ रहता है उतना ही अच्छा टेस्ट लगता है। गाढ़ा होने के लिए और पकने के लिए छोड़ दिया है। जब तक ये अच्छी तरह से पकेंगे नहीं तब तक मैं इसमें भी और कुछ नहीं मिलाऊंगी। खीर के चावल अच्छी तरह से गले हुए और पके हुए होने चाहिए, तभी खीर गाढ़ी और मलाईदार लगती है। साथ में मैं दूसरा काम भी निपटाऊंगी। जब मेरी खीर लगभग पक गई थी तो मैंने इसमें लगभग आधी कटोरी चीनी डाल दी थी और उसमें लगभग 2 चम्मच केसर बादाम का जो सिरप मैं रखती हूँ उसे डाल दिया था। अगर आपके पास केसर बादाम का सिरप नहीं है तो आप केवल इलायची को ही कूट के डाल दें, या केसर के कलर हो उसे भी डाल सकते हैं या केसर भी डाल सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप इसमें किस तरह का फ्लेवर देना चाहते हैं। मैंने केसर बादाम का फ्लेवर दिया है, आप चाहें तो कुछ और का फ्लेवर दे सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरे खीर लगभग गाढ़े हो चुके हैं। देखिए, खीर बिल्कुल गाढ़े, क्रीमी और मलाईदार हो गए हैं। इसे पकने में लगभग 1.5 घंटे का समय लगा था और अभी इधर मैंने दाल को जो रात भर भिगोया था उसे मैंने पानी अच्छे पानी से धो लिया है और अब मैं उसे कुकर में डाल दूंगी। आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसे बना सकते हैं चौंक करके, लेकिन कुकर में बहुत ही जल्दी हो जाता है। 2 सीटी डालिए। मैंने इसमें केवल 1 कप पानी मिलाया है क्योंकि मेरे दाल ऑलरेडी सॉफ्ट है, तो बहुत जल्दी पक जाएंगे। 3 या 4 सीटी मारने पर ही पक जाएंगे, तो इसलिए मैंने बहुत ही कम, लगभग 1 कप पानी दिया छोटे कप से। और अब मैंने इसमें हल्दी, मिर्चा और थोड़ा सा हींग डाल दूंगी और साथ और नमक डाल के मैं बॉयल कर लूंगी। और पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मैंने इतने अंदाज से पानी दिया है। और दाल मैंने 1.5 कप लिया था। तो आप जब भी दाल को बनाए, दाल वाला पराठा, तो देखिए मैंने एकदम उसे लेवल करके पानी दिया है। दाल सॉफ्ट है तो तुरंत ही पक जाएगा। तो इस तरह मैंने हल्दी, मिर्चा और थोड़ा सा हींग डाल दिया था। नमक तो डाला ही है, मैं हींग भूल गई थी इसलिए मैंने दोबारा खोला है। और हींग डाल के मैं इसे चढ़ा दूंगी और 4 या 5 सीटी आने के बाद मैं इसे खोल दूंगी। हमारे दाल बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगे। उसके बाद मैं इसे फिर से तड़का लगा के भून दूंगी, बिल्कुल सूखे हुए हो जाएंगे पराठे में भरने लायक। इधर हमारी खीर पूरी तरह हो चुकी है। मैंने जो चीनी डाला था और बाकी चीज़ें डाली थी अच्छी तरह से घुल मिल गए हैं और चीनी भी बिल्कुल कैरमलाइज हो गई है। और तो अब मैं इसे उतार के दूंगी और आइए आगे की दूसरी काम को निपटाते हैं। मैंने दाल को दूसरे साइड पर कर दिया है और इधर कढ़ाई में मैंने थोड़े से ऑयल को लिया है, आप कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं। मैंने सरसों तेल लिया है, उसमें मैंने लगभग 1.5 चम्मच मैंने जीरा डाले हैं। और जीरा जब अच्छी तरह से क्रैकल करने लगे तो इसमें मैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर और जीरा पाउडर डाल दूंगी। उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो तेल में सबसे पहले जीरा डालिए और उसके बाद ब्लैक पेपर डाल दीजिए, ब्लैक पेपर पाउडर। देखिए मैंने जीरा और ब्लैक पेपर पाउडर डाल दिया है। इसे लगभग मैंने 1 चम्मच भर के डाला था। और साथ में ही देखिए मैंने जो दाल को बॉयल किया था कितने खिले खिले बने हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है, उसे मैंने डाल दिया है। अब हमें इसे थोड़ा चलाते हुए इसे और अच्छी तरह सुखा लेना है, क्या है क्योंकि दाल में जो जितना भी मॉइस्चर हो वो सिक जाए। साथ में ही मैंने 1 बड़ी अदरक को लेकर उसे अच्छे से क्रश करके डाल दिया है। अदरक कम से कम आप 1 इंच का टुकड़ा लेकर इसमें क्रश कर दीजिए, अदरक का फ्लेवर बहुत ही अच्छा जाता है। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला मिलाया है।
चाट मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, आप ज़रूर मिलाइए। और मैं अब इसे अच्छी तरह से मिला लूँगी। उतारने के जस्ट पहले मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डालूँगी और कुछ भी नहीं, दैट्स इट। बस इसे मैं अच्छी तरह से भूनते हुए उतार लूँगी। मैंने जितने मसाले डाले हैं या जो भी चीज़ डाली है, सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा। और देखिए साइड में मैंने आलू भी बॉयल करने के लिए रखे हैं। मैंने आज ये पूरा थाली आप लोगों के लिए स्पेशली बनाया है, क्योंकि आद्रा नक्षत्र में बिहार में दाल भरे पराठे और दाल भरे पूरी जिसको कहते हैं, दल पूरी कहते हैं बिहार में, तो दल पूरी साथ दाल वाली पूरी, खीर और सब्जी, साथ में आम खाए जाते हैं और कटहल के पके हुए फल भी खाए जाते हैं। लेकिन उसे तो वो तो रेडीमेड ही मिलते हैं, लेकिन जितनी चीज़ें बनती हैं मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ बनाकर शेयर करती हूँ। ये पूरी ऑथेंटिक बिहारी थाली है जो कि आद्रा नक्षत्र में खाई जाती है, तो इसे प्लीज़ ज़रूर बनाइएगा। आद्रा नक्षत्र अब बिल्कुल एक हफ्ते बची है, इसे ज़रूर खाना चाहिए आद्रा नक्षत्र में। वैसे भी दाल भरी पूरी, खीर और आलू की सब्ज़ी तो ऐसे भी बहुत टेस्टी होती है, तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़रूर बनाइएगा। और अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इतना मेहनत मैं केवल आप लोगों के लिए करती हूँ दोस्तों, इसमें आप लोगों का कुछ भी नहीं लगेगा पैसा, बस केवल लाइक। दाल भी पूरी तरह से भुन गए थे और अच्छी तरह से सूख गए थे, तो मैंने उसे निकाल कर ठंडा होने के लिए रख दिया है, जिसमें कि मैं अपने आटे में स्टफिंग कर सकूँ। और अब मैंने फिर से ऑयल गर्म किया है कढ़ाई को धो के, और फिर उसमें मैंने अच्छी तरह से पंचफोरन डाला है। अगर आपके पास पंचफोरन है तो डालिए, नहीं तो आप जीरा मेथी भी डाल सकते हैं। जीरा मेथी और ऐसे पंचफोरन में जीरा मेथी सौंफ सरसों हींग और थोड़ा सा अजवाइन और मंगरेला जिसे कलौंजी कहते वही पड़ती है, तो मैंने पंचफोरन और थोड़ा सा हींग मिला के डाल दिया है। और अब मैंने इसमें जीरा डाला है और जीरा डालने के साथ, जीरा पाउडर डालने के साथ ही मैंने इसमें टमाटर कटे हुए डाल दिए हैं। मैंने एक बड़े टमाटर पके हुए काट के डाल दिए हैं। इस सब्जी का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, खास करके दाल वाले पराठे के साथ हल्की गीली सब्जी ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। और अब मैंने देखिए इसमें नमक डाल दिया है, जिसमें कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से गल के अच्छी तरह से मिल जाए। लाल मिर्च डाला है मैंने, एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाला है मैंने। साथ में ही मैंने इसमें हल्दी पाउडर डाला है। और मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और एक चम्मच मैंने किचन किंग पाउडर भी डाल दिया है। दो चम्मच मैंने किचन किंग पाउडर डाला और एक छोटा चम्मच मैंने गरम मसाला डाल दिया है। और अब मैं सभी चीज़ों को अच्छी तरह भून लूँगी। जब हमारे सभी मसाले अच्छी तरह भून जाएंगे तो मैंने जो आलू बॉयल करके रखा था उसे पील करके मैं हाथ से तोड़ के रख लिया। और अब मैं इसमें डाल लूँगी। सब्जी बनाने के साथ ही मैंने आटा भी गूंथ लिया था। आटे में मैंने कुछ भी नहीं मिलाया है, बस हल्का सा नमक मिला के मैंने उसे चपाती के आटे के जैसा गूंथ लिया है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे दाल में की स्टफिंग में सभी कुछ पड़े हुए हैं, तो इसलिए आटे में कुछ भी डालने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। नमक भी बहुत ही हल्का सा डलाता है। और अब देखिए मैंने हाथ से थोड़े हुए आलू को डाल दिया है, और जब ये बहुत अच्छी तरह से भून जाए और सोनी सोनी खुशबू आने लगे तब मैं इसमें पानी डाल दूंगी। इसे भूनने में लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। इसे अच्छी तरह से भूनिएगा, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। पंचफोरन का बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, हींग की खुशबू आती है साथ में ही टमाटर की। अगर जिन्हें हींग पसंद ना हो तो वो नहीं भी डाल सकते हैं। और अब देखिए मेरी सब्जी भी बिल्कुल रेडी हो गई है। और अब मैं दाल भर के रोटी को स्टफ करके
दाल भरे पराठे बनाऊंगी। बहुत लंबी वीडियो हो जाती इसलिए मैंने आपको आटा गूंथने वाली ये सब वीडियो नहीं बनाई है। और अब देखिए मैंने पैन को रख दिया है और साथ में ही स्टफिंग करके एक पराठे को मैंने बेल कर डाल भी दिया है। और देखिए मैं दूसरे पराठे की स्टफिंग करके आपको दिखला रही हूँ। इस तरह से हम दाल जो मैंने सुखा अच्छी तरह से ड्राई कर लिया था थोड़ा सा बेल के मैं उसमें उसके अंदर स्टफिंग कर दूँगी और उसके मुँह को अच्छी तरह से सील करके मैं उसे पराठे के जैसा गोल बस सिंपल गोल बेल लूँगी। और उसके बाद मैं उसका उसे उलट पलट के तेल डाल के उसे अच्छी तरह से सेक लूँगी। मैंने आम भी काट दिया था और देखिए मेरी आद्रा की थाली खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने खाने में दाल भरी पूड़ी आलू की सब्जी खीर और साथ में ही मैंने चटनी भी रखी है। चटनी मैंने काबली चने की बनाई है जो बहुत ही टेस्टी बनी थी। उसकी रेसिपी मैं आपको बाद में दूंगी। प्लीज़ दोस्तों आद्रा नक्षत्र कुछ दिन बाकी है और आप लोग इसे ज़रूर बनाइए और मुझे अपना फीडबैक दीजिए।